गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ एक क्लास चल रही है। वन की ए का क्वेश्चन नंबर 16 चलेगा। अब 16 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 3, 1, 0, 5 एंड 7। मतलब ये कह रहा है इन अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या लिखनी है हमें। तो छोटी से छोटी संख्या जैसे बनाएंगे बेटा, ये स्मॉलेस्ट नंबर, तो छोटी छोटी संख्या में क्या लिखते हैं, सबसे छोटा अंक लिखते हैं। होने के लिए सबसे छोटा अंक इसमें जीरो है, लेकिन जीरो को सबसे आगे नहीं लिखेंगे, जीरो से थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। थोड़ा सा बड़ा कौन सा, वन। उसके बाद तुरंत जीरो आएंगे, फिर 3, 5, 7। तो 1, 0, 3, 5, 7 ये आपकी कौन सी हो गई, छोटी से छोटी संख्या हो गई। 1, 10, 100, 1000, 10000, तो 10,357। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 2, 4, 0, 3, 6 एंड 9। इन अंकों की सहायता से आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े अंक लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा अंक लिखते हैं बेटा, बड़े। तो बड़ा, सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है, 9 है, फिर 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, लास्ट में 0 है। तो इसमें बोलेंगे 964,320। ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। और जैसे आपकी कौन सी बन गई, छोटी छोटी संख्या। 16 क्वेश्चन हो गए 17वां। अब क्वेश्चन नंबर चलेगा 18वां। 18वां क्वेश्चन दो, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है इसमें। री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ऑल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे संख्या दे रखी है ना, इनको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा लिखना है। इनको किसके द्वारा लिखना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा। फिर उनके नंबर नेम भी लिखने हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। तो जैसे पहला कह रहा है बेटा, ये 1, 10, 100, 10, 100,000, 7, 35,000, 8, 21। तो उसको हम कैसे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाते हैं हम। इस तरीके से बनाएंगे, जैसे हमने पहले लिख लिया, ओ का मतलब वंस, टी का मतलब टेंस, एस का मतलब 100, टी एस का मतलब 1000, और टी एस का मतलब 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरीके से हमने आपको टेबल तैयार कर लिया हमने, ठीक है, उसी तरीके से आपको करनी है। तो पहला वाला कह रहा है जैसे 735,821, इस तरीके से हमने लिख लिया। उसी प्रकार से दूसरा वाला लिख लेंगे, उसी प्रकार से तीसरा वाला लिख लेंगे, उसी प्रकार से चौथा, उसी प्रकार से पांचवा, उसी प्रकार से छठवां। ये आपके 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके कितने हो जाएंगे इसमें, 6 दे रखे हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इनको बेटा नंबर नेम में लिखेंगे। क्या में लिखेंगे, नंबर नेम। नंबर नेम का मतलब होता है इनको शब्दों में लिखना है। जैसे पहला वाले सुनो ध्यान से, इसी में देख लो कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो 100,000 का मतलब होता है 735,000। कैसे बोलेंगे, 735,000। फिर 821, 7, 35,000, 821। तो इसमें तीन अंकों को एक साथ लेकर बोलेंगे। उसी प्रकार से दूसरा वाला मैं आपको बता दूं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000। तो इसको बोलेंगे इसमें, जैसे एक तो मैंने करके बता दिया है, अब दूसरा तीसरा आपको अपने आप करना है नीचे, 6,000,000, 6,057,894, 6,057,894, क्योंकि 100,000 के स्थान पर 0 है। ऐसे इसको बोलेंगे 56,000,000, 56,943,821। उसी प्रकार से चौथा है, चौथा वालों बोलेंगे 37,502,093। उसी प्रकार से पांचवा बोलेंगे 89,350,064। उसी प्रकार से सिक्समा 90,703,006, क्योंकि 100 के स्थान 0, उसको 6 ही बोलेंगे केवल। यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इनको अंकों में लिखना है अंतर्राष्ट्रीय प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार। जैसे पहला कह रहा है 30,105,063। तो हमको कैसे लिखेंगे इसको, 30 मिलियन, देखो 30 मिलियन 30 लिख दिया हमने, 30 मिलियन। फिर कह रहा है जब से, फिर कह रहा है कि 105,000, तो 105 लिख लिया, फिर 63। अब इसमें ध्यान देना चाहिए 105,000 के तुरंत बाद 100 आना चाहिए, 100 नहीं है तो उसके साथ 0 लगा लिया हमने, 63, ठीक है। तो 30,105,063
उसी प्रकार से दूसरा कह रहा है 52,205,006, तो 52,205,006 इस तरीके से आपको करना है। तीसरा वाला 5,005,005, तो 5,005,005, ये आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के। उसी प्रकार से आपको 16, 17, 18, 19 ये चारों क्वेश्चन आपको फेयर में सॉल्व करनी है। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब अगली बार हम आपको नई एक्सरसाइज शुरू कराएंगे। ओके, थैंक्स।